ये गड्ढे में खोदने के अलावा दूसरी चराई होना नहीं, तालाब थोड़ी है जो दूर से आएगी मच्छी घूमेगी। तो मछली के लिए मोनोलाइन बहुत जरूरी है, इसलिए मोनोलाइन बांधा हूँ इतना सा। इतना रहेगा तो ये जॉइंट के पास ही टूटेगा। और ये हुक है, साइज देखो यहाँ से रहेगा। हाँ ये कटिया है बढ़िया। इसमें बाइट में क्या क्या है? वो ये ब्रेड है, कोंडा है, आटा है। इसको मेरा फेवरेट बाइट बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये अपना आटा ना बन गए, थोड़ा गीला हुआ यार। खुशबू बहुत मस्त है, इसको ही बैठ लगाते हैं अभी जरा। ऐसे नहीं जाएगा। क्या था, कैसे मिस हो सकता है इतना बेहतरीन। एक छोटा आप लोग का आने से पहले मरल वहाँ वहीं से है। ड्रैग भी लूज था, चेक किया नहीं, पहले कास्ट में पकड़ लिया था। बड़ा था? नहीं बड़ा नहीं था उतना, इसको इसको पकड़ा था जीक को। मरल चाल हो रहा था, रोह का तो चाल बहुत हो रहा है, फर्रे दिखा रही है सीधा इनमें। और क्या बोलते शाहरुख, चलो ना। तो शाहरुख खान चलो ना, कहाँ चलते? अरे यहाँ आए तो अभी कहाँ चलते? उधर बैठेंगे ना। क्या ये बंद कर, बंद कर, ये बंद कर दो। चलो ठीक है, तुम्हारा हाथ खींच लेगा सीधा। चराई का नाम भी बोलते समझ में नहीं आता क्या क्या बोल रहे। क्वेश्चन आ रिया। अच्छा जो है ना मच्छी आता है, बड़े बड़े वाले, जूना वाला, जूना वाला उसको पसंद है ना, नारियल सड़ी हुई नारियल पसंद है, जूने वाले। पुलाव 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 टा ही है क्या रे डिया, सिंगल का नहीं पुलाव। देखो दोस्तों फिर एक छोटा यहाँ पे पकड़ तो रहे, अटैक तो कर रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं अटैक कर रहे थे, ये भी तो अटैक किया। छोटा क्यों, लेकिन दो दो छूट गए। बस वहाँ, अरे बाप रे कौन सा ले लिया हो तुमने? अरे रे क्या खा रही, क्या था? पूरा खाया, बस ज्यादा मत मारो कि गोलियां खेलेंगे अभी ना तुम। ये क्या खाएंगा, वो खाने की चीज है ही इसमें क्या? चप्पल मिला? अरे ये देखते ना टापू होगा तो यहाँ से खेलने का देख। यार इधर मटकी होगा ना भाई, किधर? इधर पकड़ते वहाँ से खेलना पड़ेगा। मरल होगा, मरल मरल, ये टापू है ठीक है, यहाँ खड़े रह के जगह बनाना पड़ता, यहाँ से मच्छी भागी ना। नहीं होगा मच्छी भागी यहाँ से बोला? अरे 100% मच्छी होगा यहाँ। अरे मच्छी भागी यहाँ से, यहाँ से बहरा भाई, वो तो बात सुन लिया। अपने को नहीं इधर जगह बनाना पड़ेगा, डूब के देखते कितनी पानी है। तो ये देखो दोस्तों जीक का कमाल, तीनों भी गल घुस चुके हैं। ये गल देखो कैसा गया, निकल गया, यानी कि अगर ये इसमें अटकता तो छूट जाती थी मच्छी। यार कितना गया था ये भी, तब वो गल था यार। मैं छोड़ूंगा, रुक 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 रुक। दोस्तों
दोस्तों आए थे जगह बनाने तक, एक्चुअली एक रात में बनाया था मैंने, लेकिन सब मेरे से शिकारी खेल रहे हैं यहाँ पे, तो अलग जगह देखना पड़ेगा एक्चुअली। जब तक मैं ये जीक घुमा के देख रहा हूँ इधर, बहुत बेहतरीन में बना के देखा। देखो अभी सूरज निकल रहा है ऊपर, बिल्कुल सवेरे आ गए थे हम लोग, तो जगह अपने को यही थोड़ा घास खींचा था, पानी थोड़ा ज्यादा था, अभी कम हुआ, और भी खींचना है यहाँ से, तो छड़ी लगी हुई है अभी। अब राह देखेंगे इनका जाने का, जब बनाएंगे जगह ऐसे रहता है। दोस्तों इधर मास्टर बाइट बना रहे, सिंपल है, कोंडा है, ये पार्ले जी का बिस्किट है और आटा, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम बस सादा सिंपल, बाकी चराई मैटर करता सबसे ज्यादा, और कलर भी रहेगा ना, कलर भी रहेगा, कलर रहेगा। मैं चराई चराई कर लेता हूँ। ये पुलाव है चावल का, इसमें मूंगफली का खल का पाउडर बनाया हुआ और चावल का, ये दो चीज दिख रहा होगा। तो ये बना लेते हैं चराई लड्डू टाइप में भुरभुरा, और मार के खेलेंगे वहाँ पे। ये थोड़ा सा नहीं, आंगनबाड़ी का है, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना पुलाव है मेन, इसकी चराई करना अपने। देखो कितने मसाले डाले हुए पुलाव में, आ रहा खुशबू, आ रहा ना, बस इसकी खुशबू से मच्छी आके जमा हो जाए तब बेहतरीन खुशबू आता है, ऐसा खाने का चिंता करता। तो इसमें अपन मिला दिए चने का आटा, चने का आटा नहीं भी रहा तो कोई मतलब नहीं, ये खल आप कोई भी ले सकते हैं, मूंगफली का या सरसों का खल, थोड़ा ये भुरभुरा बनता है, पानी में जाके पूरा पसर जाना चाहिए। थोड़ा इसमें कोंडा भी डाल सकते हैं, डाले तो मक्के का चूरी वो जरूरी है चराई में, पीला पीला जब अंदर दिखता है ना तो वो मैटर करता है। बाइट रेडी हुई, चलो इधर ग्राउंड बाइट, बस इतना काफी है अपने लिए। आटा कम तो नहीं हो गया? नहीं, खुशबू आने का वैसा, कौन सा चीज ज्यादा होना, खुशबू एकदम हॉर्लिक्स के जैसा आता है वैसा नहीं आ रहा। बिस्किट एक ही डाल रहा है इसके लिए सर, बिस्किट एक और डाल दो पिघला के, तो उसमें दो बिस्किट डाल रहा है। अपने हंसी हक में खेलना है दोस्तों, और वो बारीक बारीक पत्थर रहते नीचे तो उससे धार मुड़ जा रही है इसके, तो धार थोड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें घाव एकदम स्लो मारना पड़ता है, स्लो में ही चुभ जाता है, क्योंकि गल भी टूट जाएगा अगर बड़ा रहा, इसके लिए बहुत संभाल के खेलना पड़ता है, इसमें धार होना बहुत जरूरी है। कुछ लेके कैसे किस में चलेंगे यार, ऐसे ले लेंगे क्या? ये जगह और साफ करना पड़ेगा, न्यू जगह है, देखेंगे बनाना भी पड़ सकता है। सुबह सुबह पानी में घुसने में कैसा लगेगा मास्टर? बिस्मिल्लाह, हवा चलना चालू हो गई, पानी बहुत ही क्लीन है। अरे मच्छी तो यही घुमा रही हो, अपने को दूर से खेलना पड़ेगा क्या? बाप रे, बहुत पानी, बहुत पानी, कितना गड्ढा है। अरे कसम, पत्थर है यहाँ मास्टर। चलो ये अपना टापू आ गया, देखो कितना पानी में से आना पड़ रहा है, सवेरे सवेरे मेहनत, किसी मेहनत है बस काम बन जाए अपना। ये अपना स्पॉट है दोस्तों, ये सब रख देते हैं यहीं पे। अंदर डूब जा रहा है यार, चीज़ों को ऐसे ही रखना पड़ेगा इधर, ये अपना मोबाइल के वाला पानी में गर्म हो जाएगा, ये इसको खुट्टी में टंगाना पड़ेगा ना दोस्तों, बहुत सारा सेटिंग करना पड़ेगा इसके लिए भी। पत्थर फेंकने जा रहे क्या? अच्छा काटने जा रहे यार, कौन गले में लटकाएंगे इसको, गली हुक लगाता हूँ पहले। कितना दूर में चराई करे थे मास्टर? यही ना जो किया था ना। हाँ यार, घास लग रहे, चराई का डब्बा क्लीन, अपन ने किधर गए थे मास्टर? तो आएंगे चलते चलते, ड्रैग 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 क्या निकल गया? क्या साइज अच्छा था ना मास्टर? गल नहीं चलेगा मास्टर, अपन इतना मेहनत करेंगे और ये सब रखेंगे कैसे चलेगा? बोल लो ना, 8 किलो चार कर कर करके चाहिए। देखो दोस्तों ये नुकसान है, ये सब नहीं चलेगा मास्टर, ड्रैग और लूज रखना था, लूज है क्या? खोलो खोलो, नहीं बाद में टाइट किया, बाद में क्या टाइट करेंगे, जब इधर पानी में थोड़ा टाइट किया, टाइट नहीं करना था, वही मैं बोला आपको ड्रैग रखोगे भी सिटी, अगर मच्छी घुस जाता था ना तो निकाल लेते थे उसको, वो खींचा ना तो आपको ऐसा लगा कि नहीं खुल जा रहा है, खुलने देना, अपन बीच तालाब में ना कहाँ जाती थी मच्छी से। चलो कोई बात नहीं, हाँ इसके लिए जो मैंने एक गट घुमाया ना ड्रैग ज्यादा टाइट हो गया, उसके लिए गल सीधा हुआ, ये तो मशीन इसमें ही टाइट हो गया कप करके। इतनी अच्छी साइज थी यार, मच्छी जानी नहीं थी मेरे को, ले लेना था यार आपके हाथ से रॉड, मेरे को आप रो खेल रहे हैं, ये हो खेल रहे हो, कैसे टाइट किया आपने समझ में? मार दो थोड़ा चराई, मार दो।
ये अकोड़ा जावेद भाई ने सारा रेफ्रिजरेटर वालों ने बना के दिए। जगह हम आए थे यहाँ चेक करने के लिए, थोड़ा सा किए थे साफ, लेकिन फिर भी घास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीले है, तो हम यहाँ साफ करेंगे, इसको फेंकेंगे, देखेंगे कितना घास आता है। बाप रे घास कितना पकड़ा है, कैसे चीला रहा बाप पूरे, ये घास कंघी हो जा रही है। अरे ये वाला घास है क्या? जल्दी आओ, वो फल तो गिरा ले ना। बहुत परेशानी भाई, इतना आसान नहीं है। तो रोज रोज वही अभी चल रहा है, पार्ले जी के बिस्किट आटा, अभी कोंडा देना। ये एक्चुअली कोंडा दोस्तों हंटिंग हॉबी से आया था हैदराबाद से, पैकिंग बहुत ही शानदार है, इसमें कोंडा भी अच्छा ही डालेंगे, जब पैकिंग इतना अच्छा डाल सकते तो कोंडा तो ये हल्के वाले तो डालेंगे नहीं। तो ये बहुत पसंद आया, फिर से बोल रहा हूँ मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो बता दिए। और लंबा क्या लंबा में था, हाथ दुख जाएगा यार मेरा। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मेरा हाथ में झटके बहुत बैठ गए, अब मास्टर थोड़ा फेंकेंगे। तो दोस्तों ये पार्ले जी का बिस्किट है, ये आटा है, कोंडा का है, क्वांटिटी बराबर लेना शाहरुख खान। हाँ भाई, ये कोंडा जिसमें चावल का पाउडर मिक्स है, कलर कितना डालूं मास्टर? ज्यादा बोले ज्यादा डार्क मत करो, ये लो कलर करूँ क्या? एक कैम पाउडर, मोबाइल ट्राइपॉड लेना है, सारा सिस्टम, अगर जरा भी पानी में गया ना कुछ तो गया। अपने को वाटर प्रूफ कोई बैग लाना पड़ेगा, पानी में गिरे तो तैरना चाहिए ऊपर। दोस्तों कल कैमरा नहीं लाया था तो चार मच्छी लगी। चलो मैं सेट करता हूँ मास्टर, वहाँ आप लोग आइए जी, मैं कुछ गलती से रह तो नहीं गया ना। ये बाम मरा हुआ है, अच्छे अच्छे साइज का बाम है यार। अरे मटिया क्या बाम ना, मटिया ना भाई, ये झींगे पकड़ने के लिए। नहीं नहीं इधर लग गया, वही साइज है दोस्तों, जाले के बाहर नहीं बता सकता क्योंकि मच्छी गई तो गई। ये हसिया हुक में लगाया हूँ दोस्तों,
ये अपना दूसरा नख वही जाली के अंदर से। ठीक है मैं लंबा दे रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं आप? अंदर आए नहीं। चौथा साइज चालू है क्या? क्या था यार? चालू तो था। हाँ, जैसे आप ना? हाँ, वैसे ही कॉपी कर रहा था। लोग सोचेंगे फिर लग गया क्या? रहने दो ना सुकून से। मैं इधर आता हूँ जरा, इस तरफ से एक आधा निकालने को अपने को देख लिया। लग तो रहा कट लो इसे। मस्ती कर दो।
कितने शुरू से लगा कर रहा हूँ कितने दिनों बाद निकल गया एकदम कतली के जैसा दिख रहा है यार, रंग से भी प्यारा दिख रहा है। कैसा आवाज कर रहा है? डकरा। तलपी घुस गई है इधर, ऊपर उठाओ, इतना माल होगा। अरे ये कहाँ घुस गया बेचारा यार, ये फांसी ले लिया इसने। वो इसके भाग रहा था क्या? नहीं नहीं मास्टर, ओह माय गॉड, कुछ डूबना मत, गामछा भी भीग गया आपका, कैमरा ना गिर जाए यार। कल से माल ज़्यादा है मास्टर। अच्छा अच्छा हो, हाँ हाँ माशाल्लाह। ये जाफ़ान, ये कैसे हो? देख रहे हो? ये तो देख बे। दोस्तों ऐसे ऐसे साइज लगे, ये दो दो ढाई ढाई किलो के नग है। ये मेरा पसंदीदा एकदम, ये कतले का जैसा दिख रहा है। ये देख, ये कट रहा हूँ, ये रहा तो ये दो मेरे लिए और मास्टर को तीन। हाँ कैमरा मत अटकाना कल, कैमरे में है। मैं बोला सतर्क रहना, कुछ नहीं करेगा वो, ये पूरा जंगल है सूख गया, अभी सांप रहेगा किधर शरण लेगा, तो थोड़ा सतर्क रहना। जैसा तो उधर उधर सतर्क रहने से फायदा क्या है, वो तो जान बूझ के जा रहा हूँ ना उधर, वो जहर थोड़ी बर्बाद करेगा झूठ मूठ के काट के। बोला ख्याल रखना, वो हिसाब से बोला तो तुम भागते हुए आ गए। 200 टका के तेल भरे थी, माछ धोते आसार जन्ने, माछ धोते आसार जन्ने, मच्छी पकड़ने। अच्छा मच्छी पकड़ने जा रहा है इसके लिए? माछ धोते ऐसी चीज, ऐसी चीज। हां तो ये अरे माछ धोते ऐसी चीज नहीं, एकदम कोने पे जो चारा तुमने डाल के आया उधर चलो ना, उधर अभी नहीं लगेगा, फिर उधर अंदर अंदर जाना पड़ेगा ना, अंदर जाना पड़ेगा ना। थोड़ा दिन में धूप हो जाएगा तो सांप वाप इधर उधर चले जाएंगे ना, अभी थोड़ा अगर होगा इधर उधर तो इसीलिए नहीं जा रहे। बहुत बड़े बड़े सांप है। नहीं अभी तो मेरे को देखा नहीं, पैर के पास से गया था कल, मैं हिला ही नहीं। क्या बात है? हाँ फिर मजाक कर रहा हूँ, कल जब करके तो बोला। हाँ कल आया था ना, लगा नहीं उधर उधर ही खेले थे। हाँ बोला बच गया रे सही में, उधर सांप, मेरे को भी डाउट हो रहा था सही में। यहाँ से मच्छी भागी ना, नहीं होगा मच्छी भागी यहाँ से बोला। अरे 100% मच्छी होगा यहाँ। अरे मच्छी भागी यहाँ से, यहाँ से बहरा भाई, वो तो बात सुन लिया।